हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन रीड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क। वैसे तो ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आज मैं इसे घर पर बनाऊंगी। कंडेंस मिल्क का प्रयोग बहुत सी रेसिपीज़ में होता है। आप इसका प्रयोग मावा की जगह भी कर सकते हैं। कई बार तो हम बहुत सी रेसिपीज को सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं होता। तो आज हम आपको इसे बनाने की बहुत ही सरल विधि बताने जा रहे हैं, जिससे आप कुछ ही समय में इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मिल्क को गर्म होने रख देंगे। मैंने यहाँ 500 ml फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क ले सकते हैं। दूध में उबाल आ गया है, अब इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ 100 ग्राम चीनी ली है। इसे मिक्स कर लेंगे। हमें दूध और चीनी को एक साथ पकाना है। इसे चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी, दूध का कलर भी चेंज होता जाएगा। चीनी शुरू में ही डालते हैं। कंडेंस मिल्क में क्रीमी टेक्सचर इसी वजह से आता है। इसे चलाते रहेंगे जिससे कि ये तली से चिपके नहीं। अब मिल्क अच्छे से बॉयल भी हो रहा है। इसे आधे से ज़्यादा हमें रिड्यूस करना है। दूध में चीनी अब घुल गई है, तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक पिंच के करीब बेकिंग सोडा। इसे लगातार चलाते रहना है। बेकिंग सोडा डालने से कंडेंस मिल्क का कलर चेंज होने लगता है। ये कंडेंस मिल्क को एक क्रीमी टेक्सचर देगा और थिक बनाएगा, लेकिन इस समय इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कंडेंस मिल्क चिपक जाएगा। जब तक हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। अब देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मिल्क रिड्यूस भी होने लगा है, इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है। आप जैसे जैसे कुक करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। अब मिल्क हाफ से ज़्यादा रिड्यूस हो गया है और इसमें बहुत ही प्यारा कलर आने लगा है। इसको इसी तरह चलाते हुए और पकाएंगे। बबल्स आ रहे हैं और कंडेंस मिल्क अच्छा लग रहा है। 4 से 5 मिनट इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कंडेंस मिल्क बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में आने लगेगा। अब ये अच्छे से थिक हो गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता है। तो अगर आप इसे पहले ही गाढ़ा कर लेंगे तो ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जम जाएगा। अब कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा होममेड कंडेंस मिल्क, बिल्कुल बाजार जैसा। जैसा बाजार में मिलता है ना, ठीक वैसा ही, और वो भी केवल 35 रुपये में। इसे आप किसी भी मिठाई में, खीर में, केक में, आइसक्रीम में, किसी में भी यूज़ करें और इन्जॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।